नवादा के उसी मुसहर टोली में मौजूद हूँ जहाँ पर एक साथ 80 घरों को किस तरह से जला करके ध्वस्त कर दिया गया, जला करके राख कर दिया गया। शायद इस घरों में अब जो है कुछ भी नहीं बचा। ये देख सकते हैं घरों के जो है ये बर्तन हैं वो भी जो है झुलस चुके हैं, उनका भी जो है कलर है वो किस तरह। यहाँ पर कोई पहिया नजर आ रहा है, कोई वाहन रही होगी, कोई ठेला रहा होगा जिससे कि कोई गरीब जो है इससे कमाता होगा, खाता होगा, लेकिन शायद उसका जो है रोजी रोटी भी ये जल करके यहाँ लगा होगा, लहर रहा होगा। यहाँ एलिए घर से जना है ले। इधर से जना है रहा। हाँ। तो इसका इधर का आदमी सब कहाँ भाग रहा था? अब भाग रहे उधर उधर भाग रहे भाग रहे थे, तड़पते हुए भाग रहे होंगे, दौड़ रहे सब घर छोड़ छोड़ के भाग रहे, छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे। हाँ, छोटे छोटे सब बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, कोई गोदी में भी मायके है, सब लेके भाग रहे, ले ले करके महिलाएं भाग रहे थे, भाग रहे थे। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की बस्तियों में ले चलता हूं आपको, मैं मुसहरों की बस्तियों में ले चलता हूं आपको। आप ये देख सकते हैं कि मैं अभी उसी मुसहर टोली में मौजूद हूं, नवादा के उसी मुसहर टोली में मौजूद हूं जहां पर एक साथ 80 घरों को किस तरह से जला करके ध्वस्त कर दिया गया, जला करके राख कर दिया गया। शायद इस घरों में अब जो है कुछ भी नहीं बचा। ये देख सकते हैं घरों के जो है ये बर्तन हैं वो भी जो है झुलस चुके हैं, उनका भी जो है कलर है वो किस तरह से हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि इस तरफ ये जो पेड़ था ये हरा भरा पेड़ रह रहा होगा, कहीं कभी ये पेड़ जो है झुलस करके पूरा जो है जल चुका है। और इस तरफ भी जिस तरफ आपकी नज़रें दौड़ेंगी उस तरफ सिर्फ और सिर्फ घास फूस और राख नजर आएंगी, क्योंकि जो दलितों का जो घर जो होता है वो कभी महल और ये ईंट पत्थरों से नहीं बना होता है, वो घास फूस से ही बना होता है। और आज ये देख सकते हैं कि किस तरह से घास फूस वाला घर जो है पूरी तरह से जल करके राख हो चुका है, और शायद इस पर जो है यहाँ की सरकार की नज़र नहीं पड़ रही है। देख सकते हैं जिस तरफ आप देखेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर कोई पहिया नजर आ रहा है, कोई वाहन रही होगी, कोई ठेला रहा होगा जिससे कि कोई गरीब जो है इससे कमाता होगा, खाता होगा, लेकिन शायद उसका जो है रोजी रोटी भी ये जल करके यहाँ पर राख हो चुकी है। और इस तरफ भी देखेंगे आप, इस तरफ ये पेड़ है एक छोटा सा, ये भी जल चुका है। और इस तरफ भी तमाम जितने घर थे वो सारे घर जो है अभी जल करके पूरी तरह से जो है राख में तब्दील हो गए हैं। और यहाँ के घर, यहाँ के लोग जो है वो आज बेघर हो चुके हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। यही घर है चाची आपका? नहीं, यहाँ घर नहीं है। कहाँ आई है? पर है, देखे आई है ना। अच्छा, ये घटना कब कब घटना हुआ था? कल 7 बजे रात। कल 7 बजे सुनी थी जब ये हुआ था तो पूरा जो है आग लगा होगा, लहर रहा होगा। सर बाकी यहाँ एलिए घर से जना है ले। इधर से जना रहा। तो इसका इधर का आदमी सब कहाँ भाग रहा था? अब भाग रहे उधर उधर भाग रहे, सब घर छोड़ के भाग रहे थे। इधर आइए ना, इधर आइए। यही कहे आप लोग? हम लोग कुटुम नाता है, हमें देखने के लिए आई हैं आप लोग। अच्छा, यहाँ से कितना दूरी है आपका घर का? हमको यहाँ शिवनगर गोनाव से है। अच्छा, जब भी लहर रहा होगा, आग पूरा जल रहा होगा, आप लोग देखे होंगे ना? नहीं, हम तो जर गया तब आए। जर गया तब आप लोग देखे थे इसको? कोई देखा था इस चीज को जलते हुए? लहर देखते रहते हैं, सामने भाग रहे हैं। हाँ, कैसे लोग भाग रहे थे? तड़पते हुए भाग रहे होंगे, दौड़ रहे सब घर छोड़ छोड़ के भाग रहे, छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे। हाँ, छोटे छोटे सब बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, कोई गोदी में भी मायके है, सब लेके भाग रहे, ले ले करके महिलाएं भाग रहे, भाग रहे थे। मंजर रहा एकदम, 6 दिन का बच्चा, 8 बजे रात के घटना है यही। कितना कितने साल तक के बच्चे थे गोद में? 6 दिन के है, 6 दिन का बच्चा, 6 दिन का, 6 महीना के, 4 महीना का से बच्चा है, ले लेके महिला। हाँ, तब कल दूध पिला बोलखिन तो देखिन सरसों बचवा के। बताइए, आप लोग इस दर्द को शायद नहीं समझ पा रहे होंगे कि 6-6 दिन के बच्चे जो है महिलाएं लेकर के भाग रही थी महोदय, लेकिन यहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी के कानों पर जू तक रेंगने को तैयार नहीं है। और यहाँ के दलितों के नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान जी शायद इस सब इस चीज़ों पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। महोदय, वोट लेने के समय चुनावों में तो सभी को दलितों की याद आती है, लेकिन जो दलित जब ऐसे जल रहा होता है तो शायद सारे नेता जो है मौन रहते हैं, कोई भी इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं रहता है। और तमाम दलित ऐसे ही धू धू करके जल जाते हैं, और सारे नेता जो हैं अपने एसी वाले कमरे में जो है वो बैठे हुए रहते हैं। आप ये देख सकते हैं जब तमाम चीज़ें जो हो जाती है, तमाम घटनाएं हो जाती है, इस घटनाओं को देखने के लिए तमाम लोग आते हैं, लेकिन जिस तरह से जब वो जल रहा होता है तो उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। बाकी मैं और लोगों से ही मिलवाने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट सुषमा कुमारी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैम ये बताइए कि यहाँ पर जिस तरह से दलितों के घरों को जला करके राख कर दिया गया है, क्या कहेंगी इस चीज़ पर?
देखिए सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस सच्चाई को दिखाने के लिए यहाँ तक आए हैं आप जी। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये कहा जा रहा है कि सरकार जो कह रही है, मोदी सरकार भी कहते हैं कि दलितों को मत मारो हमें मार दो, ये सिर्फ कहने के लिए बात है ठीक ना। हमारे दलित वोटों को अपने तरफ लेने के लिए बोल रहे हैं, बाकी आज हमारे दलितों को मारा जा रहा है, दलितों को जलाया जा रहा है। आज हमारे यहाँ 80 घर हमारे दलित लोगों को जला दिया गया है। ये मोदी सरकार क्या कर रही है? अभी तक इन लोग का कोई व्यवस्था नहीं है। ये संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे और ये संविधान को खत्म न करते हुए मतलब इनडायरेक्टली हमारे गरीब लोगों को ही खत्म किया जा रहा है जी। तो ये कहने का मतलब है कि जान जमीन चल रहे हैं, बैठिए आप लोग, जान जमीन इज्जत जिनकी सस्ती है ये दलितों की बस्ती है। यही हमारे दलितों का हाल हो रहा है। बाकी हमारे राज्यसभा सांसद जी आए थे, वो बयान दिए हैं, हमारी बहन कुमारी मायावती जी ट्वीट की, तो उनके आदेश पे हम लोग भी आए। और ये बहुत ही घिनौना काम है कि हमारे दलितों की बस्ती को जला दिया जा रहा है। ठीक है अब थोड़ा हम लोग चल रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जिस तरह से इज्जत जिसकी सस्ती है, जी हाँ वही गरीबों की बस्ती है और उसी गरीबों की बस्ती में जो है आग लगा करके उनके घरों को जो है जला करके भस्म कर दिया गया, राख कर दिया गया है। शायद ये राखें भी छिक छिक करके उन नेताओं को कह रही है कि महोदय गरीबों के नाम पर, दलितों के नाम पर आप राजनीतियाँ तो करते हैं, लेकिन जब इस तरह से दलितों पर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, शोषण होता है, तब आपका जमीर क्यों मर जाता है? मेरा ये सवाल रहेगा उन तमाम बहुजन नेताओं से जो बहुजनों का वोट तो लेते हैं लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो उस पर उनका छू तक निकलता नहीं है। और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा एक और इस खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।